नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी साहब निगरान गुरु जी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अब है जो कोई स्टडी का वीडियो अपलोड कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर मैं आपको 10 प्रश्न पूछूंगा, और 10 के 10 प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर पूछे गए, जो 2016 2015 2015 वाली भर्ती, 13 वाली भर्ती, 12 वाली भर्ती है ना, तो उनके अंदर ये जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। और मैं आपको जो है ये 10 के 10 प्रश्न मैं आपको पूछने वाला हूँ, और आपको इनके आंसर बताने हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको इनमें से लगभग 7 क्वेश्चनों के आंसर आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, मतलब कि आना ही चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। एक चीज और बता देता हूं, ये 10 प्रश्न पूछने के बाद मैं फिर से आपको यही 10 प्रश्न पूछूंगा ताकि आपको ये प्रश्न याद हो जाए। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है जिसके मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, ठीक है। ये है जो राजपूत वंश और ये भूभाग से संबंधित थी, ये जो बताया गया है ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सुमेलित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी तरीके से इस बात को देख। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्ष तक चला, उसमें अंत तक गोतवा किस सफलता मिली थी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रतिहार। वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था, वह शासक कौन सा था जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था। इसका भी आंसर होगा दोस्तों सवाई जय सिंह, यानी कि नंबर 4। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ओझा, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, प्रतिहार शिलालेखों में यह आता है। तो यहाँ पे आंसर होगा राजपुरुष। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। पृथ्वीराज तृतीय के और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे। इसका आंसर होगा 2। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था। इस वीडियो को शेयर करोगे तो हम ऐसे सीरीज हमेशा मैं आपके सामने ऐसे 10 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वही मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा अगर आप शेयर करते हो तो, और लाइक करना ना भूले। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था। तो वो था नवसहसांक चरित्र, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर होगा 4 नंबर। सीमांत क्षेत्र के उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की कहलाते थे। आंसर होगा खोखर, खोखर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आंसर नंबर 2। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर का जो है इसको लूटा था। इसका भी आंसर आप आराम से बता सकते हो। इसका आंसर होगा महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था। सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था धन संग्रह करना, बस और कुछ नहीं। अब देखिए, मैं आपको ये 10 के 10 प्रश्न वापस पूछता हूँ, और इसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप मुझे पता पीछे जाके वीडियो को रिवर्स लेके आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, इसका आंसर होगा चंदेल बुंदेलखंड, ठीक है, ये है जो सुमेलित नहीं था, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है बघेलखंड, और जबकि ये चंदेल थे वो बुंदेलखंड और यूपी वाले क्षेत्र के अंदर ये चंदेल वंश था। यहाँ पे बघेलखंड आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न देते हैं, इसलिए मैंने इसका आंसर बताया, और बाकी आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों के मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। त्रिपक्षीय संघर्ष अगर देखा जाए, त्रिपक्षीय संघर्ष है जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, ठीक है, अब उसमें अंतत गोतवा किससे सफलता मिली थी। तो ये भी मैंने आपको आंसर बता दिया, वह शासक जिसने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था, ये भी मैंने आंसर बताया था आपको। और निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है।
ये भी मैंने आपको बताया था। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, क्या आता है भाई आपको ये आप आंसर आना चाहिए, आता नहीं है तो आप इसका मतलब हुआ कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब आपका पढ़ना बेकार है, पढ़ना बेकार है मतलब कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, सिलेक्शन नहीं होने वाला इसका मतलब है कि आपके घर वाले माँ बाप भाई बहन जो आपके आस पर बैठे हैं वो आस पर ही बैठे रह जाएंगे और कुछ नहीं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था, पद्मगुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था, और सीमांत क्षेत्र के उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की थी, क्या कहलाते थे वो? अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर का इसमें लूट की थी? और सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों यहां पर ये प्रश्न आपको कैसे लगे ये मुझे आपको जरूर बताना ही पड़ेगा, ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आपको ये प्रश्न शानदार लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल के बारे में बताना और उनको कहना कि ये अपना यहाँ पर एक चैनल चलता है जिसके ऊपर आपके लिए स्टडी के अच्छे अच्छे मटेरियल मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।